रिश्वत देने के लिए किसी को अपना अंग बेचना पड़े तो सोचिए भ्रष्टाचार के इंतहा कहां तक है। मामला कुशीनगर का है, जहां एक बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अंग बेचने की अनुमति मांगी है, ताकि वो लेखपाल और थाना प्रभारी को रिश्वत दे सके। हाथों में फाइल लेकर भटकने पर मजबूर इस बुजुर्ग को देखिए, जिनका नाम शशिपाल है और उम्र तकरीबन 55 से 60 साल के बीच होगी। तहसील से थाने तक अपनी ही जमीन पाने के लिए हर सरकारी चौखट पर गुहार लगाई, लेकिन जब कहीं से सहारा नहीं मिला तो मजबूर होकर मुख्यमंत्री के नाम ये चिट्ठी लिखी और अंग बेचने की अनुमति मांगी है। दरअसल तमकुही राज तहसील अंतर्गत कोकिलपट्टी गांव में इस बुजुर्ग का घर है, जहां जाने वाले रास्ते पर गांव के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसकी गुहार लेकर ये डीएम कुशीनगर के पास पहुंचे। डीएम ने लेखपाल को आदेश भी कर दिया, लेकिन बुजुर्ग का आरोप है कि लेखपाल ने विपक्षियों से पैसे लेकर गलत रिपोर्ट लगा दी और ये सब कुछ लोकल थाने विशुनपुरा के थाना प्रभारी की साठगांठ। ये भी अजीब बात है कि डीएम के आदेश के बाद भी लेखपाल ने अगर रिपोर्ट बनाने में खेल कर दिया तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या होगी। सवाल उठता है कि जब बड़े अधिकारियों की बात को छोटे कर्मचारी नहीं मानेंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के दावे कैसे पूरे होंगे। ये जमीन का लेकर के विवाद चल रहा है, और उस जमीन को लेकर के मैंने एक दरखास्त दिया था जिलाधिकारी के पास, उन्होंने लेखपाल को लिख दिया। लेखपाल मौके पे आए, विपक्षी से पैसा लेकर के गलत रिपोर्ट लगा दिए, मेरा रास्ता बंद कर दिया गया, उसके बाद से मारा पीटा गया है। और जब कहे कि हमारा रास्ता खाली करवाइए तो कहे कि फ्री में नहीं होगा। दरवाजे के पास गए तो वो भी कहे कि पैसा दीजिए तभी खाली करा पाएंगे। लेखपाल भी कहे कि पैसा दीजिए तभी खाली करा पाएंगे, तो हमारे पास पैसा तो है नहीं, अब अपना अंग बेच करके ही दूंगा। तब क्या हुआ? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं भेजा हूँ। क्या क्या भेजा है, क्या मांग किया है? भैया अपना अंग बेचने का अनुमति प्रदान किया जाए, ताकि बेच करके मैं अधिकारियों को घूस देकर अपना न्याय करा सकूं, अपने मुकदमे का विवेचना करा सकूं।